ਚਾਚੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਘੈਂਟੀਆਂ ਵੀ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬਸ ਆਖਰੀ ਫਿਕਰਾ ਬੋਲਾਂ ਜਾਉ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਆਪ ਉੱਠੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾ ਬੈਠ ਜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜਾਹਲ ਮੌਲਵੀ ਫੋਕਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੈਠ ਜਾ ਅਮਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਗੜਾ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ਕਲ ਕੋ ਅਕਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਬੈ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਸਜਾਣਾ ਹੈ इसे अली कहते हैं मैं तो अच्छा लग रहा हूं बैठ जाओ तैनू तो वेख के ही नस जाएगा क्यों तू बदर है चोनू कुटिया ही इन्हें नहीं किसी दिन बदर सुनना ना मैं आपको बदर सुनाऊंगा मौला अली ने इसे मारा कैसे मैं तो अच्छा लग रहा हूं ये मैनू ना पूछा जे किथे लिखे ते ना पूछा जे मैनू किने दसे है क्यों जेड़ा कोई गल्ला खास दसदा होवे ना वो अगो दस देगे ते दोबारा नहीं दस मौलवी साहब बन तो तकरीर करके आखिर मुझे हुजूर की जियारत हुई और मैं को चवड़े जान दिए महबूब आ जाए तो दसवीं तो नहीं होगा ये गल्ला तो छुपाई नहीं आने यार ये दस नड़ियां तो नहीं होती है ना मैं तो लगा लगा सुभान अल्लाह कहते बिल्कुल आखिरी फिक्र और सुभान अल्लाह कहते उस्ताद ना खिताब है मेरे पास मैं बड़ी जल्दी जल्दी फिक्र बोला सरकार मौला कायनात नहीं नहीं थोड़ी देर शुरू कर दे आज दर भी देखो बंदे मेनू इंज वेंदे ने जिवे अगे कदे सोहना मौलवी वेख्या नहीं वो तुसा मेनू नजर ला देनी यार मैं तो सुरमा भी नहीं पा गया ए खुश ता वही दा टच ए खुश ता वही दा टच उस्ताद जी मैं जान बुझ के पाया है ताके लपा ते तपस सोवा जल क्योंकि जिन्नी देर तक लपा ते तपस सोना होवे असी कदी अली पड़े आई नहीं चमन चमन जारी जारी ना जना मेरा बिल्कुल आखिरी फिक्र मैंने खंदक यहीं पर छोड़ दिया आखिरी फिक्र दे दी लुक मेरी तरफ देखें प्लीज कुफर इस ए मेरी उंगल जी टूटी दिसदी पई है ना ये मेरा खत्मे नबूवत का तोहफा है सुभान अल्लाह मेरे सिर की हड्डी नहीं हैगी पसलियां भी टूटियां बाहवां भी टूट गई पंजी छब्बी बंदे सन कुटन वाले तो मैंने मैसेज करके कहते ने वी विल किल यू अगेन हम तुम्हें दोबारा मारेंगे मैं फिर जवाब की दिता मैं तुहाडी किस्मत चंगी मेरे गोली वज गई नहीं तो भी पंजी बंदे मैं कुछ नहीं समझ नहीं यकीन तो किसी लब्बाई कल उठा के वेसो ये मुकाबले कोई नवे नहीं जलाओ चलो मैं लफ्ज बोल दिया कुफर इस्लाम से मुकाबले दे बड़ी तवज्जो करे दे कुफर इस्लाम से मुकाबले दे बंदे आप बजे जो मशवरे कर दे कितना लड़िए किधरों लड़िए सामने हो जाइए सजियों खबियों किधरों वो फिर आपस जाने मैं तुम्हें पूरी जंग सुना गया जिधर अली वो फिर एक पासा में दे और ले आओ ओ ना आउट ऑफ सेंस मौलवियां नु जेड़े कहंदे सन अली का कद छोटा था एक गल याद रखया जे सारे अहल सुन्नत दी किताबां विच अली दा कद छोटा नहीं मैं पढ़ी तो बदल जा मैं मसले के आले सुनत बयान करता पिया ओ तू के बल जमात वाले नाल मेरा कोई तल्लुक नहीं पर जा मेरे शाकर साहब नु मुबारक पर मैं जुमला अल करके जरूर जावा निका कद आले सुनत च अली दा है ही नहीं कमल कम इना कद जिन्ना हुजूर दा या बनाए दरमियान ना कद हुजूर दा है ते मौला अली दा मैं नहीं असि आप अपने जिम्मेदार हैं जी बाकियां तो साड़ी कोई जिम्मेदार इतने एक टच पाव मौलवी हुलिया पड़ी जावे मेरे ते ते बतवा लग जाना पर कोई नहीं अगे इन्हें लगे ने देख और सही मैं तो बदल चला जाऊं मौलवी साहब मौला अली दा हुलिया पड़ी जान अखा अंदर तसियां होईया पड़ी तो जो करे खुदा दे वास्ते मैं हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह तआला को आप दा बिल्कुल मानने वाला क्योंकि जरा
अली उधर आप इधर लड़ने बंदे रंग सारे ही आते ने की करा मैं नारो वाला आखिया मैं बाबा इधर लड़ एक पासा वेख के चले गए थोड़ी देर तो बाद रबर सदौन लग गई थोड़ी देर तो बाद सहाबा किराम लड़ते ही इस तरह थे। अब आपको क्या पता अली कैसे लड़ते थे, मैनू ना पूछा जे मैं किथे पढ़िया। मैं बड़ी तवज्जो चाहना जनाब, मैं तो मौलवी टच मशहूर हाँ, ये कितने लिखे कितों पढ़िया ये उलमा तो पूछ। मैं तवज्जो चाहना।